हे गाइस, मैं हूँ सुसोई रेजन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वजल वायर गेम, जो कि कुछ इस तरह का होता है जिसमें हमें एक स्टिक मिलेगा, उसमें एक रिंग अटैच होगा और हमें इस रिंग से वो फोल्डेड हुए वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक लेना पड़ेगा बिना वायर को टच किए, जो कि ये गेम का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ऐसे दो टुकड़े लेने होंगे कार्डबोर्ड के। मैंने इसका डायमेंशन यहाँ पे लिख लिए है, एक है 25 सेंटीमीटर और ये है 12 इंच। यहाँ पे मैंने 4.5 और 4.5 और एक 3 इंच ऐसे इसको मोड़ लिया है। और उसके बाद 3 सेंटीमीटर मार्क का मार्क करके यहाँ पे 3 इंच का कट कर लिया है। ऐसे ही मैंने दो पीसेस सेम बिल्कुल सेम किया है। इसके ऊपर हमें एक वाइट कार्डबोर्ड को चिपकाना होगा और उसके बाद हमें और भी दो कार्डबोर्ड के टुकड़े चाहिए, जो कि है इस तरह 4.5 और 22 सेंटीमीटर। 4.5 का इसका विड्थ होगा और 22 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। ऐसे दो पीसेस लेने होंगे। तो मैंने इन दोनों पीसेस को पेपर टेप के सहायता से चिपका लिया है और एक तरफ गम लगा के उस पर वाइट कार्डबोर्ड आपको लेना है। आप चाहे तो A4 पेपर भी ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रांग है इसलिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छे से इसे आपको चिपका देना होगा। तो मैंने यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से वाइट कार्डबोर्ड चिपका लिया है और उसके बाद जो 3 इंच का गैप हमने बीच में दिया था उसके चारों कॉर्नर्स पर चारों होल कर लिए हैं और उससे हम LED फिट करेंगे। मैंने ऐसे 4 white LED लिए हैं, जो कि मैंने मार्क किया था चारों होल बनाने के लिए। मैंने उसे बनाकर 3 LED ऑलरेडी फिट कर लिया है। और आते हैं LED के ऊपर। ये LED का जो बड़ा वाला लेग है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि वो एनोड है, और जो छोटा वाला लेग है वो कैथोड है। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के लिए ब्लू वायर यूज़ किया है और नेगेटिव टर्मिनल के लिए येलो वायर यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर 3 LED फिट कर लिया है ऑलरेडी और एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर चारों के चारों पॉजिटिव टर्मिनल को इकट्ठा कर लिया है और चारों के चारों नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर जोड़ दिया है। चलिए देखते हैं कि ये चारों के चारों LED काम करते हैं या फिर नहीं। तो मैंने नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे इस टेप की मदद से चिपका लिया है और पॉजिटिव टर्मिनल को चिपका कर हम देखते हैं कि चारों के चारों LEDs काम करते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, चारों के चारों LEDs काम कर रहे हैं। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद हमें ऐसे दो पेंसिल्स लेने होंगे और मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। इस पेंसिल को यहाँ पे चिपकाना होगा हमें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये पेंसिल को चिपका लिया है। उसके बाद हमें एक बजर चाहिए। ये आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आराम से 30-40 रुपए में मिल जाएगा। उसको मैं यहाँ पे ऐसे ग्लू गन के सहायता से फिट कर लूँगा। तो देखिए, हमने ये जो बजर के वायर जो है ये दोनों को एक्सटेंड करके इससे मिला लिया है। सारे के सारे LED के पॉजिटिव के साथ बजर के पॉजिटिव के साथ मिला लिया है और सारे के सारे LED के नेगेटिव के साथ बजर के LED को मिला लिया है। अगर अभी भी आपको कनेक्शन में दिक्कत है तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उससे देख कर कर लेना। मैंने यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव पार्ट थे उसमें से एक वायर निकाल लिया है और जितने भी नेगेटिव पार्ट थे उसमें से एक लंबी वायर निकाल लिया है। उसके बाद हमें स्विच पर आना होगा। स्विच में से आप कोई भी तरह का स्विच ले सकते हो। ये HDFC स्विच भी ले सकते हो, ये टगल स्विच भी ले सकते हो। तो हमने जो ये वाला स्विच लिया था ये सारे के सारे पॉजिटिव वायर से इसमें हम चिपका लेंगे और एक वायर यहाँ से निकालेंगे और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है। ये वही स्विच है ये वाला और ये है इसका नेगेटिव वायर।
इस नेगेटिव वायर को हमें एक पेंसिल के ऊपरी भाग से चिपकाना होगा और इस पॉजिटिव को हम बैटरी से चिपकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक होल कर लिया है और ये जो नेगेटिव वायर है उसको यहाँ से, तो ये वाला है नेगेटिव वायर जो कि हमने यहाँ से निकाला है, ये वाला है पॉजिटिव वायर। तो हमें ये जो सोल्डरिंग होता है, ये जो वायर होता है सोल्डरिंग करने के लिए, हमें इसे लेना होगा या फिर आप इससे भी मजबूत अगर चाहते हो तो आप आयरन के वायर भी ले सकते हो या फिर कॉपर के भी ले सकते हो। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको ऐसे राउंड शेप पे एक बार करना होगा। इसको आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बना चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो मैंने उस सोल्डरिंग वायर को कुछ ऐसा शेप दे दिया है और हमारा जो ये नेगेटिव वायर था, मेन नेगेटिव वायर, उसे मैं सोल्डरिंग वायर से कनेक्ट कर लिया है और ग्लू गन से अच्छे से चिपका लिया है। और ये है हमारा जो मेन पॉजिटिव वायर, इसे हम डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे। हमें एक ब्लैक कलर का वायर लेना होगा जो कि हमें बैटरी के नेगेटिव से, ये इस तरह का लिथियम आयन बैटरी में ये जो लाइन होता है ये पॉजिटिव साइन की तरफ होता है और ये नेगेटिव, हमें इस नेगेटिव ब्लैक कलर के वायर को बैटरी के नेगेटिव साइड से चिपकाना होगा। और इस वायर को हम जो ये वाले लिए थे सोल्डरिंग वायर, इससे अच्छे से सोल्डरिंग करके इससे एक रिंग शेप का बनाना होगा। रिंग शेप का बना के हमें इसके अंदर अच्छे से इसे रखना होगा और हमारा वजर वायर गेम रेडी हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके का एक पेन ले लिया है और इस पेन के अंदर का सब कुछ हमें निकालना होगा। इस पेन के अंदर के सारे चीज़ हमें निकालना होगा और इस कैप को रख के असल को फेंक देना होगा। तो मैंने इस एल्युमिनियम वायर को रिंग शेप का बना लिया है और इस वायर को हमें इसे करना होगा। ध्यान रखिएगा स्पेन के पिछले वाले साइड में एक गैप होना चाहिए और होल होना चाहिए जिससे कि ये वायर निकल सके। तो ये वायर यहाँ पर निकल चुका है कुछ इस तरीके का। हमें इसे और भी लंबा वायर लेना होगा। तो मैंने जो ब्लैक कलर का वायर लिया था उस वायर को इससे ऐसे चिपका लिया है और उसमें अब मैं सेलो टेप मार दूंगा और ये जो रिंग है इससे हम इसके अंदर ऐसा रखना होगा और हमारा गेम रेडी। हमें यहाँ पे ग्लू गन चिपकाना होगा और यहाँ पे भी सभी जगहों पर ग्लू गन बहुत ही अच्छी तरीके से हमें लगाना होगा। तो हमें दोनों की दोनों साइड पर अच्छे से सेलो टेप चिपकाना होगा जिससे कि एक स्विच टाइप का बन सके। यह है नेगेटिव वायर और यह है पॉजिटिव वायर, इन दोनों को हमें बैटरी से ऐसे सोल्डरिंग करना होगा। तो मैंने जो सबसे पहले ये जो 22x4.5 का जो लिया था उसके इस दोनों साइड में हम ग्लू गन चिपकाने वाले हैं और इसको थोड़ा बेंड करके लगा लेंगे। तो मैंने स्विच को ऑन कर लिया है, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो गाइस ये हमारा फाइनल लुक। तो मैंने एक और स्ट्रिप और कॉपर वायर को मिलाकर इसे फिर से बनाया है और इसको भी ठीक से टाइट कर लिया है। यहाँ पे देखिए